हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं खालिद, आपको मेरे चैनल अवान एक्शन पे खुश आमद है। दोस्तों, G20 जो अभी अभी इंडिया में शुरू है और कुछ जिस तरह की वहाँ की लोग खुशी मना रहे हैं, उसके साथ साथ इंडिया के मुसलमान की क्या रिएक्शन है, वो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है साउथ एशिया के लिए और खास बात इंडिया के लिए। और अफगानिस्तान हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती है और करते रहेंगी, और क्योंकि वो अब साउथ एशिया की सुपर पावर की तौर में आगे आ रही है। इंडिया हमेशा तरक्की करे तो हम भी साथ हैं। तो देखते हैं वीडियो, वहाँ के जो मुसलमान है वो क्या कहना चाहता है इस G20 में। इसको हम अपने नेशनल त्यौहार से ज़्यादा, हॉलीडे से ज़्यादा मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है। G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो दो त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं, हमने इस बार तीन त्यौहार मनाए जिसमें G20 के साथ हर हिंदुस्तानी पे उसको फख्र होना चाहिए जो हमें एजाज़ मिला है। ये और हम जितने भी गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन सबको वेलकम करते। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मेरी उम्र 80 साल है, मैंने अभी तक ऐसी सजावट नहीं देखी जामा मस्जिद की। नकर तकदीर से शिकवा इतना, नकर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा। नकर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। कभी मरते नहीं देखी है जवानी दिल्ली वालों की, यही तो जिंदा दिली है निशानी दिल्ली वालों की। निभाते हैं ये यारी जान की बाजी लगाकर भी, वफा मशहूर है भाई अनवार पुरानी दिल्ली वालों की। आपके सामने जो इमारत दिख रही है ये दिल्ली की ऐतिहासिक बहुत पुरानी जामा मस्जिद है, और इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आज़ादी के वक्त मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि ये मुल्क तुम्हारा है और इस मुल्क के बुनियादी पत्थर तुम हो। और आज देखेंगे तो यहाँ G20 का जश्न मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए ये G20 का बैनर लगा दिया गया है, और महिलाएं बच्चे बहुत सारे लोग इधर पूरे जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों किस तरीके से सजाया गया। दिल्ली अलग रंग में है इस वक्त, इस बात को मैं बड़े होशो हवास और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की साफ सफाई, सुंदरता वो बिल्कुल अलग है। जो जहाँ जहाँ स्पॉट, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने हैं, जो प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जो गांधी जी का राजघाट है, और जामा मस्जिद में भी एक अलग रौनक है। यहाँ पर जो है G20 के बोर्ड लगाए गए हैं, और आप लोग सब लोग यहाँ फोटो वोटो खिंचा रहे हो जी, बिल्कुल। कहाँ से हो? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से क्या नाम है? नूर इस्लाम। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हैं, देखने आया हूँ। तो बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक है जी। रौनक तो है ही, पुरानी दिल्ली, दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक है, और चांदनी चौक की जो रौनक है वो जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद की जो रौनक है वो मटिया महल जो मार्केट है वो है। तो इस पूरी मार्केट को, जामा मस्जिद को, इसके हुस्न को दोबाला दोगुना किया गया है, और इसमें बहुत बड़ा रोल जो मार्केट एसोसिएशन के जो सदर हैं हाजी सलीम साहब, उनका रोल है। आप देख सकते हैं उनके हर जगह फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे हैं। इमाम साहब ने जो है उसमें सरपरस्ती की है, शाही इमाम साहब ने भी, और आप देखेंगे ये सारा का सारा जो इंतज़ाम है वो बहुत क्लासिक, ये छाता गया है, बहुत बहुत इसमें दिमाग और बहुत क्रिएटिविटी के साथ इसको सजाया गया है, ताकि जो G20 की स्प्रिट है, जो G20 का जो पूरा का पूरा नज़ारा हम पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली का जो है रिप्रेजेंटेशन, और जामा मस्जिद का पूरा सहयोग और पूरा का पूरा जोश और मोहब्बत जो पूरी दुनिया को दिखाई जानी है वो दिखाई जा सके, उसके लिए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रात के समय इतनी भीड़ रहती है हमेशा? भीड़ तो इससे ज़्यादा रहती है, ये तो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं सब जगहों पे। G20 के जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, मेहमान लोग आ रहे हैं हमारे दूसरे मुल्कों से, हमारे देश का गौरव और देश की शान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों के स्वागत के लिए सरकार ने जो जितने भी इंतज़ाम किए हैं उसमें से कुछ ये भी है कि एज ए प्रिकॉशन जगह जगह पाबंदियाँ हैं लोगों के आने जाने में थोड़ी, तो इतना तो सबको थोड़ा बहुत कोऑपरेट हमको करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे इससे ज़्यादा भीड़ होती है, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आने जाने की पाबंदियाँ ना हो, तो आप
इस टाइम आएंगे 10 बजे 11 बजे पूरी की पूरी मार्केट जो है ना एकदम अलाइव होती है, एकदम ये इसमें पूरी की पूरी रौनक होती है, पूरी की पूरी एक तरह से रोशन होती है और लोग पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपको लगभग लगभग हर समय यहाँ मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरा चहल पहल माहौल है और आप लोग यहाँ पे अंदर अंदर भी पूरा सजा रखा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप अंदर तक तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है वो बिल्कुल इसी तरीके से सजाया हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं यहाँ मीडिया आपकी जी जी मेरा यहाँ पर आउटलेट है, कबाब का आउटलेट है। तो यहाँ पर जो है अभी और यहाँ पर जो है सारे सारे मजाहिब के लोग, ऑल काइंड ऑफ पीपल कम शेयर विद योर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एंड एंजॉय द फूड एवरी सिंगल टाइम। इंतजाम G20 के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए किया है और मार्केट एसोसिएशन ने अपने फंड से किया है, किसी से कोई कोलैबोरेशन किसी तरह का कोई चंदा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से जी सब अपनी तरफ से किया है। मैं थोड़ा अंदर भी देख लेता हूँ मार्केट अंदर का कैसा है। डेकोरेशन 15 अगस्त से ज़्यादा हुई है और पहले बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ लग ही नहीं रहा था G20 का कुछ, मगर अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ G20 के लोग यहाँ भी आ रहे हैं, या मार्केट बहुत अच्छी लग रही है पहले से। अच्छा हाँ जी, कब से ये लाइटिंग? ये कल से हुई है, कल रात से ये सब प्रोग्राम हुआ है, पूरे जामा मस्जिद के इलाके को सजाया गया। हाँ जी, यहाँ से लेके जो हमारी मार्केट एसोसिएशन के चितली कबर तक चौक तक ये मार्केट सजी हुई है, पूरी सजी जामा मस्जिद सस्ती है। हाँ ये मार्केट जरूर सस्ती है। किसने सजवाया? ये मार्केट के जो एसोसिएशन के जो अभी इलेक्शन जीते हैं भाई सलीम, ये इन्होंने करवाया है सब। हाँ जी, मार्केट के एसोसिएशन बन गया। कैसा क्या माहौल है G20 के लिए? G20 के लिए बहुत खुश हैं लोग, बहुत अच्छा माहौल है। आप देखो यहाँ बहुत से फॉरनर्स आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग बाहर से खाना खाने, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ सब लोग आते हैं और खुश होते हैं, देखते हैं। यहाँ दिल्ली में ऐसी मार्केट कम है। क्या नाम है आप? मेरा नाम आसिम है। क्या करते हो आसिम? मैं, मेरी शॉप है इसी मार्केट में फैब्रिक की। अच्छा। हाँ जी, कपड़े की शॉप है मेरी। कपड़ा बेचते हैं लोगों को, कुर्ते पजामे का कपड़ा, पैंट शर्ट कोट पैंट का कपड़ा बेचते हैं। हाँ जी। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों? ये हमारे मार्केट एसोसिएशन के हेड हैं और कुछ सेक्रेटरी है मार्केट के, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं कुछ उनको। क्या नाम है दोस्त? अफरोज मोहम्मद अफरोज। क्या करते हो अफरोज? मैं भाई काम करता हूँ भाई, यहीं पे होटल में काम करता हूँ। सजावट उड़ावट हो रखा है ये भाई इस मार्केट के, वो जो है ना सदर साहब वो सजाए हैं। अच्छा। जी भाई, किस वजह से सजवाएं? G20 की वजह से। अच्छा जी, क्या है G20? G20 है एक जो 20 जो देश है उसके सरकार, यहाँ पे सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो सब आएंगे। अच्छा। जी उसकी वजह से सजावट किया है। ऐसा लग रहा है माहौल? बहुत मस्त लग रहा है। मैं दिल्ली में पहली बार ऐसी देख रहा हूँ, मैं कम से कम, मुझे 2-3 साल हो गया मगर पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। हमने कभी इतनी दिल्ली अच्छी देखी नहीं है, मतलब अगर पेरिस वेल है, अगर प्रगति मैदान देख लो, मजा आ गया। सबसे अच्छा यहीं पे सजा गया है पूरे दिल्ली, कहीं भी देख लो। अच्छा काम किया सरकार, बहुत जबरदस्त प्रगति भाई। मैं रोड देखता हूँ, दिल्ली के रोड नहीं देखे मैंने ऐसे कभी। उधर प्रगति मैदान जहाँ वो लोग जिनका रूट है राजघाट या प्रगति मैदान, जबरदस्त मतलब पेरिस वेल है। यहाँ पे किसने करवाया ये सारी सजावट? ये जो एसोसिएशन बनी हुई है यहाँ की, अपनी जामा मस्जिद एसोसिएशन है, तो उन्हीं ने मतलब जो उन्हीं के फंड से हुआ ही है। क्या करती है एसोसिएशन, कैसे क्या है थोड़ा बताइए एसोसिएशन? एसोसिएशन ने जो इस बार करा तो ब्यूटिफिकेशन का काम करा है, यहाँ की जो मार्केट है ना तो उसको ब्यूटिफाई करा है। जैसे G20 आ रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, डेलीगेट्स आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी हिसाब से जैसे जामा मस्जिद एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, तो उसी को सजाया है यहाँ पर, उसी की खूबसूरती को मतलब और वो ब्यूटीफाई करा है, चार चांद लगा दिया बिल्कुल। यहाँ के खाने काफी जबरदस्त, पहली दफा हुआ है बिरयानी। ये आप जो काफी जबरदस्त, काफी बेहतरीन वीडियो है और जिस तरह दिखाया गया लोग बहुत खुश है इस G20 जो इंडिया में हुआ, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सारी कंट्री के जो सदर और चाहे उसके प्रेसिडेंट PM सारी यहाँ पे आए, जो 20 देशों की जो प्राइम मिनिस्टर है और
यहाँ पे आए और वो इंडिया को ये, मगर एक और एक चीज ज़ियाफ़ा हुआ कि G20 अब G21 हो गए, साउथ अफ्रीकन जो है वो उसको जो अफ्रीका है उसको भी एक साथ कर दिया है। अच्छा दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो जरूर अपने लाइक कमेंट सेक्शन में, हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। Maybe I need it. Can anybody out there hear me?